कुछ शीर्षकहीन कविताएं। एक, तुम्हारे हरेक बाल को सफेद होते हुए देखना मेरा राग है। यह चांदी सी केश राशि से रचा पूर्णिमा का घर है। भविष्य का मार्ग यहीं से फूटता है। यहां स्वर्ण मृग नहीं, गृहस्थी का सुफल है। करनी का एक होना सरस साथ के सुरीले स्वरों में, यही रात कथा है हमारी। दो, तुम्हारी हथेली में पिघल जाएंगी तमाम बूंदे, फैल जाएगा कुछ क्षणों में आकाश भी एक चिड़िया के लिए, जबकि तुम मोमबत्ती जला रहे होगे। तीन, बारिश हो रास्ते में तो भीगना मत, शरण ले लेना। सांस के एवज में वहां अब कोई चिड़िया कभी अंडे नहीं देगी। चार, एक रूपसी से रस केली करते हुए मेरे हाथ प्यार के सिवाय कुछ न लगा, सो मैं पलट आया मर्दाने तरह से, वक्त को अपनी जेबों में डाले आजाद। मेरी कल्पना में कातिल कला है खूबसूरती। पांच, तुम्हें अलग होना हो तो उस तरह अलग होना जैसे पका फल पेड़ से अलग होता है अनायास। हर सांस में सवेरा उतर सके, हर गिरता हाथ संभल सके। खिलना ऐसे, लिखना ऐसे, शब्द और शून्य में, भाषा और जीवन में, आकृति की कृति में निराकार होते हुए। छह, मेरी जेब में अब कोई जवाब नहीं बचे, अपने फूलों से प्यार करते हुए शांति से। जो हंसने के दिन होगा वह अभी और यही है, यह देख रहा हूं। फूल यूं खिल रहे हैं मानो मेरे शव पर चढ़ाने हों। सात, एक बच्चा अचानक से रखता है तीन पत्थर और कहता है यह मेरा घर है। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे भी कभी रखें तीन पत्थर। आठ, मिट्टी का घड़ा फूट जाता है और कुम्हार के पास फिर लौट कर नहीं आता। सूत में जो फूल गुंथ गए हैं वे सूत में ही सूख जाते हैं। ईश्वर ने ऐसा ही लिख दिया है, यह जीवन लौट नहीं सकता। कोई अपना नहीं होगा जब मृत्यु आएगी। लोग इस मुंह में आग देंगे जब समय पूरा हो जाएगा। जले हुए धागों से कोई वस्त्र बुनता नहीं। सुबह खिला फूल, शाम मुरझा गया। दिए की लौ भी अभी के लिए केवल, इस देश अकेले आए हैं, अकेले जाना है। नौ, देखना जब मैं कविताएं पढूं तब सभागृह में कोई न हो, जैसे भाषा या जीवन में। पढ़ने वाला तो कतई नहीं और सुनने वाला कल्पना तक से बाहर, और दर्शक भी न रहें। आत्मा जब मैं कविताएं पढूं लिखता हुआ मिलूं। दस,
मशक लटकाए खड़ा भिश्ती बोला, सुनो, एक गिलास में उतना ही पानी भरा जा सकता है जितना वह खाली है। भरना जारी रखने में वह न केवल बाहर गिरता रहेगा बल्कि अंदर बदलता भी। कौन सा बाहर है, कौन सा भीतर, अब यह बूझने के बूते का नहीं। वह भी हंसेगा, गिलास का पानी, दोनों, अंदर का पानी, बाहर का पानी, बिना उम्मीद के बदलता पानी भी। इतना बोल वह गायब हो गया और मैं गिलास को रोते हुए सुन रहा हूं।